गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल गुड। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 12 बताया था, अध्याय 12, जो एक स्टोरी थी बाघ की। आज अध्याय 13 बताएंगे, जो है सूरज जल्दी आना जी। तो एक कविता है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, पहले रीड कर लीजिएगा। एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, कुहासा का मतलब क्या होता है? कोहरा ना, जो ठंड में दिखाई देता है, आर पार ना दिखता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है? सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सभी सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। तो एक छोटी सी कविता है जो सूरज के ऊपर है, सूरज को बुलाने के लिए कहा जा रहा है। एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। सूरज से क्या धूप मिलती है ना, तो धूप के लिए बोला जा रहा है कि कटोरी भरकर। वो केवल एक मतलब बात बोली जा रही है यहाँ पे, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, यहाँ पे इतना कोहरा है, आर पार ना दिखता है। जब कोहरा हो जाता है खूब तेज, तो आर पार हमें नहीं दिखाई देता है, कुछ दूर या कुछ पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। जब बहुत ज्यादा हो जाता है कोहरा, क्या होता है कि हमारे आगे कोई भी चीज रहता है तो हमें दिखाई नहीं देता है ना। जब तक हम उसके पास, जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं, वो जो है कोहरा हमें ऐसा लगता है कि हमारे पीछे होता जा रहा है और हम उस चीज के पास जाते, तो धीरे धीरे जब हम आगे जाएंगे तो चीजें दिखने लगेंगी। वही होता है कोहरा, जो हम इस टाइम ठंडक में बहुत देख रहे हैं ना, आर पार ना दिखता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है? मतलब जब कोहरा हो जाता है ठंड में, जब बहुत ज्यादा कोहरा होने लगता है, बहुत देर देर तक कोहरा मॉर्निंग में बहुत देर देर तक रुक जाता है, तो क्या इस तरीके से कोई किसी के यहाँ रुकता है? यहाँ इस जो है कविता में बोलने का आशय यही है कि ऐसे भी कभी किसी के घर में कोई टिकता है, मतलब जिस तरीके से कोहरा रुका हुआ है, कोहरा आता है इतना ज्यादा देर तक रहता है, क्या इस तरीके से कोई किसी के घर में टिकता है? सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। सच बताओ और सूरज जल्दी आओ, है ना। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, बारिश में जो कपड़े भीगे हैं वो गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे घर के सभी सबके सभी सीले हैं। सीले मतलब भीगे हैं, भीग कर बिल्कुल जो है गीला गीला रहता है ना, जैसे बारिश बहुत ज्यादा होती है तो घर की दीवारें और उसमें सीलन लग जाती है। हम लोगों ने कई बार सुना होगा घर की छत में या दीवारों पर सीलन लग जाती। सीलन क्या, बारिश की वजह से दीवारें भीग जाती, खराब होने लगती हैं। वही है, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सभी सीले हैं, सब सीलन हो गया है सब में। छोड़ो आज बहाना जी, ना 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 जी, है ना, बहाना छोड़ दो आज, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। छोटी सी कविता है, कविता का आशय यह है कि आप, एक छोटी सी कविता है और छोटा सा मतलब है, पर फिर भी मैं उससे भी छोटा करके आपको बता रही हूँ। सूरज से बच्चे बोल रहे हैं, या फिर यहाँ आप बोल सकते हैं कि हर कोई बोल रहा है, क्योंकि इसमें बच्चों का नाम नहीं है, तो आप एक बिल्कुल स्पेशली बच्चों के लिए मत बोलिए, बट कहा बच्चों को दिखा के ही जा रहा है, इस वजह से आप बच्चे और सूरज के अकॉर्डिंग समझ गए। तो क्या बोला जा रहा है कि जो है कटोरी भरकर धूप हमें दे दीजिए, आप निकल आइए, आप आएंगे तभी धूप आएगी। जब सूरज निकलता है तभी तो हमें जो है रोशनी दिखाई देती है, और उसी से धूप होती है, और धूप से हमें बहुत फायदे होते हैं। अगर धूप हम नहीं लेंगे या अगर हम ज़्यादा दिन तक धूप नहीं लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि गर्मी में भी, फिर भी गर्मी में भी हमें नीड होती है धूप की, क्योंकि धूप से हमें जो है विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के लिए फ़ायदा
करता है, फायदेमंद होता है। इसलिए विटामिन डी की कमी जो है वो हमारे शरीर में पूर्ति करने के लिए हमें धूप को लेना चाहिए। इस वजह से चाहे गर्मी और ठंडक हो, थोड़ी थोड़ी देर ही सही, लेकिन हमें गर्मी में भी इस चीज की नीड होती है। भले ही ठंड, फिर भी अगर कोई चाहे ना चाहे तब भी गर्मी में उसे धूप मिलती ही मिलती है, धूप में बहुत मिलती है ठंडी में, और ठंडी में तो धूप बहुत कम ही दिखाई देती है, बहुत ज्यादा, और कोहरा ही दिखाई देता है। लेकिन गर्मी में जो है धूप तो आपको दिखाई ही देगी, है ना, जिससे लोग परेशान रहते हैं। वही है कि और ज्यादा बारिश होने की वजह से घर की दीवार और दरवाजे जो हैं सब सीलन हो गया है, सब में सीलन हो गया, सब खराब हो रहे हैं। आप कोई बहाना मां करिए और जल्दी से आ जाइए। तो ये छोटी सी कविता है, सूरज से बोला जा रहा है कि सूरज जल्दी आ जाइए, बहाना ना करिए। अब उसके बाद हम आते हैं अभ्यास कार्य पर। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं बुक में कि मैंने यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ क्या चीजें, ज्यादातर चीजें मैंने फिल करके रखी हुई हैं, और आपको बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अध्याय अभ्यास कार्य। रंगों की बात। कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है, तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? तो धूप का रंग गोरा मीन सफेद, है ना, सफेद होता है। तो धूप का रंग तो हमें सफेदी, और जब धूप निकलती है तो उसका रंग काला तो होता नहीं, धूप जाती है तो रंग काला होता है ना। तो कविता के हिसाब से और हमारे हिसाब से, दोनों के हिसाब से धूप का रंग जो है वो गोरा, इसलिए मैंने इस पे अंडरलाइन कर दिया है। बताया गया है धूप में उसका रंग गोरा ही होगा, है ना। धूप कब नहीं सुहाती, कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती, तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करती हो, करते हो, यहाँ करती करते दोनों बच्चे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि पहला लिखा हुआ था छाता लेकर। छाता लेकर हम क्या करते हैं, धूप से अपनी बचत करते हैं। ठंडक में तो कोई छाता लेके धूप से बचत नहीं करता, और गर्मी में तो हमें धूप से बचने के लिए यूज़ करना पड़ता है, काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। टोपी लगाते हैं, टोपी कौन सी, ठंडक वाली टोपी नहीं, वरना आप लोग सोचिए मैम क्यों बोल रही हैं। तो अगर धूप से जो है हमें बचना है तो हम टोपी क्यों लगाएंगे, हम गर्मी में जो है टोपी लगाते, कैप लगाते हैं उस वाली टोपी, क्योंकि बहुत लोग लगाते हैं धूप से बचने के लिए। हल्के पतले कपड़े पहनते हैं, हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं, मोटे कपड़े हम नहीं पहन पाते हैं। चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाते हैं कभी धूप में वो लगाते हैं इंसान, क्या धूप फील नहीं होती, धूप सम ज्यादा लगती नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। सन क्रीम लगाते हैं, सन क्रीम मतलब बहुत से ऐसे क्रीम हैं जो धूप में निकलने से पहले यदि हम अपने जो है हाथ पैर फेस में हम लगा के निकलेंगे तो हमें उतना उसका साइड इफेक्ट धूप का नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ठंडक हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, कभी भी हद से ज़्यादा धूप लगने से हमारे बॉडी को नुकसान होता है, त्वचा को नुकसान होता है। तो इस वजह से हमें नियमित रूप से केवल थोड़ा ही लेना चाहिए, पर धूप हमारे शरीर को फिट रख फिर है। सनक्रीम भी लगाते हैं, बुक इधर चली गई थी, अब आप लोग देख सकते हैं। हल्के पुतले फुलके जो है कपड़े पहनते हैं, चश्मा लगाते, सनक्रीम लगाते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई चीज़ समझ में आ रही है कि इसको भी तो हम कर सकते धूप से बचाने के लिए खुद को, तो हाँ कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप भी कर सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख लीजिए। लिख सकते हो, गलत नहीं है, बस इसके अकॉर्डिंग लिखिएगा कि आपके चैप्टर से रिलेटेड हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दों का मेल। नीचे दिए शब्दों के आगे चार चार शब्द लिखे हैं, इन चारों में से एक एक शब्द अलग है, बताओ कि अलग शब्द कौन सा है, वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है। तो बारिश है, बारिश के सामने मिलता जुलता शब्द जो है, जो मिलते जुलते शब्द से अलग शब्द लिखा गया, हम उस पे सर्कल बनाएंगे क्योंकि हमें उसे अलग करना है।
बारिश से रिलेटेड पानी भी है, गीला भी है, बादल भी है। पटना नहीं है, क्योंकि पटना तो एक जगह है ना, पटना बारिश से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद घर है, घर से दरवाजा रिलेटेड है, खिड़की रिलेटेड है, और दीवार है, घर से घर में जो संबंधित चीजें हैं वो ये सारी चीजें हैं। लेकिन साबुन नहीं। अभी हम सोचिए कि घर में साबुन है तो संबंधित क्यों नहीं है, तो संबंधित साबुन जो वो नहाने से है। यहाँ घर की बात हो रही है, कपड़े धुलने से साबुन का संबंध। तो सूरज, धरती, धूप, पसीना, गर्मी अलग है क्योंकि गर्मी एक मौसम है। कटोरी, चूल्हा, गिलास, तो चूल्हा जो है वो अलग है, बर्तन नहीं है। इसलिए इसमें बर्तन के एक चीजें दी गई हैं बर्तन के हिसाब से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है अगर ऐसा हो। अगर ऐसा हो, अगर धूप ना हो तो क्या होगा। यहाँ पे केवल सेंस लगाया जा रहा है कि अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा। तो अगर धूप ना हो तो क्या होगा, अगर धूप ना हो इतना तो कंफर्म है कि धूप धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी से कैल्शियम की कमी हमारी जो है मजबूत होती है, तो कैल्शियम की वजह से होती है। तो इन सारी चीजों को संबंधित एक साथ जोड़कर देखा जाए तो विटामिन डी हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इस वजह से हम बीमारियों से बच भी सकते हैं। अगर हमारे जो है बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होगी तो बीमारियों से भी बच सकते हैं। फिर है अगर हवा ना हो तो क्या होगा। अगर हवा ना हो तो हम खुली हवा में सांस नहीं ले सकते, सांस लेने में हमें परेशानियां होती हैं। और तो और अगर हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो हम उसमें भी बीमारियों से घिर जाएंगे, है ना। फिर है अगर पानी ना हो तो क्या होगा। अगर पानी ना हो, पानी बिना तो कुछ संभव नहीं, जल ही जीवन है। तो हमें अगर पानी नहीं मिलेगा तो जीवन जीना संभव ही नहीं होगा। बिना पानी के कोई जी सकता है। बिना खाए आप रह सकते हैं लेकिन बिना पानी के आप नहीं रह। बिना खाए आप 2 से 4 दिन काट भी सकते हैं, पर बिना पानी के आप 1 से 2 दिन काटना मुश्किल हो जाएगा। तो बिना पानी के जो है कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जीवन जीना जो है पानी के ना रहने पर हमारा जीवन कितना कठिन होगा। इसीलिए बोला जाता सेव वाटर सेव लाइफ, क्योंकि पानी अगर बचाएंगे तभी हमारी जो है जिंदगी आगे चल पाएगी, वरना पानी अगर वेस्ट करेंगे तो आगे की लाइफ भी बेकार ही हो जाएगी। इसलिए हमें ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना चाहिए, उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना हमें नीड हो। चलिए, अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा। मतलब अगर पेड़ पौधे ना हो तो पूरी जो है जीवन की चीज़ें बिगड़ जाएंगी। हमें शुद्ध हवा उन्हीं से मिलते हैं, हमें ऑक्सीजन उन्हीं से मिलते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, कट जाएंगे, तो अगर मान लीजिए पेड़ पौधे नहीं हैं, सबसे पहले तो पर्यावरण बिगड़ जाएगा। उससे जो है प्रदूषण होंगे, चीज़ें इतनी कंट्रोल में नहीं आ पाएंगे। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट लोगों में होने लगेंगे। और पेड़ पौधे जो हैं वो हमें शुद्ध हवा देते हैं, शुद्ध जो बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो हमें फल भी देते हैं, बहुत सारे जो पौधे ऐसे हैं हमें सब्जियां देते हैं। तो कोई भी चीज़, कोई भी पेड़, कोई भी पौधा हमें काटना नहीं चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें उसे लगाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सेफ ट्री एंड सेफ लाइफ, अगर सेव करेंगे ट्री, हम बचाएंगे ट्री को, तो जीवन बचेगा। क्योंकि इनका भी हमारी लाइफ से बहुत महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा इसलिए आपको पेड़ पौधों की कीमत समझनी चाहिए। पेड़ पौधे हमें कभी नहीं काटने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसे लगाना चाहिए, है ना। चलिए, कौन सा बहाना। सूरज का अभी आने का मन नहीं है, बच्चों को क्या बहाना बनाने बनाकर मना। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इसको HW लिखकर छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चीज़ें लिखी नहीं जा सकती थी, बट आप इसमें माइंड लगाइए कि इसमें आप क्या बहाना जो है बताएंगे सूरज को, जिसकी वजह से वह चला आए। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसमें जो है दिमाग लगाते हैं।
हो सके चला आए और कितने अच्छे तरीके से आप उसे बुला सकते हैं। तो देखते हैं कौन कितने अच्छे बहाने इसमें लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आप लोगों को कविता बहुत छोटी है और कविता आपको कॉपी में करनी है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 लाइन करनी, ओनली 8 लाइन करनी है, ठीक है। इसको कॉपी में करना है आपको। तो आपको सबसे पहले, चलिए सबसे पहले आपको कविता लिखना है, कविता करनी है। उसके बाद आपको कुछ शब्द अर्थ भी मैं बता दे रही हूँ, हालांकि इसमें ऐसा कोई शब्द अर्थ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। इसमें आपको शब्द अर्थ लिख दे रहे हैं। शब्द तो पहला शब्द जो है वो है कुहासा। कुहासा मीन्स कोहरा, कोहरा, ओके। टिकता, टिकता यानी रुकता या रुकना। सीले, हमारे कविता में आया ना, सीले मतलब सीलन, आप इससे कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप बुक में कविता के बाद आप शब्द अर्थ करिएगा। उसके बाद आपको कॉपी में ये करना है, ये करना है कॉपी में, और ये भी आपको कॉपी में करना है, ये वाला इसको मत करिएगा, इसको केवल बुक में करके छोड़ दीजिएगा। और सूरज का आपको चित्र बनाना है, चित्र बनाना क्योंकि उसी की कविता है ना, चित्र बनाना है कॉपी में। तो आप चित्र भी बना लीजिएगा। अब हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं क्वेश्चन आंसर, क्योंकि वो भी आपको करना है। क्वेश्चन आंसर है, ऐसे आपको डेट लिखनी है, और मोरल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं किया, तो मोरल आप अभी, चलिए फिर है पाठ का नाम डालिएगा, सूरज जल्दी आना जी, ओके, सूरज जल्दी आना जी। फिर डालिएगा निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। का क्वेश्चन है, किससे जल्दी आने की बात की जा रही थी? सूरज से जल्दी आने की बात की जा रही थी। खा है, सूरज से क्या लाने की बात की जा रही थी? खा, सूरज से धूप लाने की बात की जा रही थी। गा, खुआशे का मतलब क्या बताया गया है? गा, खुआशे का मतलब कोहरा बताया गया है। घा जो है, धूप से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? धूप से बचने के लिए हमें छाता टोपी का प्रयोग करना चाहिए। फिर दूसरा है सही गलत, सही और गलत का निशान लगाना है। तो पहला है, बारिश होने पर हमें छाते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गलत, क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं करेंगे तो भीग नहीं जाएंगे। दूसरा है, बारिश में कपड़े भीग जाते हैं। गा, सूरज के जल्दी आने की बात की जा रही है। सही, तो आपको तीन ये भी करना है। तो आपको क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिए आप लोग, है ना।
देख लीजिए अच्छे से। तो फिनिश दिस चैप्टर एंड एंड टुडे PS 26।